नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज एक बार फिर मैं शबनम की बात करती हूं। दोस्तों, आज शनिवार है और अक्सर मैं शनिवार को वीडियो बनाती हूं शबनम के लिए, जो भी अपडेट मेरे पास होता है। हालांकि देखा जाए तो कोई खास अपडेट नहीं होता, ये मैं खुद मानती हूँ, लेकिन मैं इस पूरे मामले की हमेशा रिसर्च करती रहती हूँ। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग इस केस को देख रहे हैं, जो वकील हैं, मेरी लगातार उनसे बात होती रहती है। आज एक मेरे पास जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। दोस्तों, शबनम के मामले में अब जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि शबनम को प्रॉपर्टी के चलते किसी ने इस पूरे केस में फंसाया है। ये उसी के कहना चाहिए कि गांव के लोगों का ये कहना है, क्योंकि वहां दो गुट बन चुके हैं। एक गुट जो उसकी प्रॉपर्टी पे हावी है, क्योंकि उसके घर में, शबनम के घर में उसके चाचा और चाची रह रहे हैं, लेकिन शौकत अली की प्रॉपर्टी सिर्फ उतनी ही नहीं है जहां चाचा चाची रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी और भी बहुत है। उसमें बाग है आम के, उसमें एक पोर्शन वो है जहां पर मास्टर शौकत अली के 7 लोगों की कब्रें बनी हुई हैं और उनकी देखरेख भी चाचा चाची करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस जगह को कौन लोग कब जाना चाहते हैं, जो बाग है, जो हवेली के साथ सटा हुआ एक बहुत बड़ा मैदान है, ये उनके गांव के लोगों ने बताया है कि चूंकि ये बिल्कुल मेन रोड पे जगह है, बहुत फेसिंग जगह है, यहाँ पर जो लोग कब्जा करने वाले हैं उन लोगों ने एक दो बार आकर के शबनम के चाचा चाची को धमकाया भी है। इसकी शिकायत पुलिस में भी कराई गई है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी पे काबिज होने के लिए लोग आए थे वो लोग वहां से हटते हैं। ये मामला फिलहाल ऐसा है कि अभी तो वो लोग हट चुके हैं, लेकिन इसी के साथ अब लोगों ने, वहां के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि शबनम को इन्हीं लोगों ने अपने जाल में फंसाया है। क्योंकि अब दो चीज़ें हो गई हैं। सलीम कह रहा है कि मेरा शबनम से कोई वास्ता नहीं है, शबनम ने जिस बच्चे को जेल में जन्म दिया है वो बच्चा उसका नहीं है, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, एक बात। दूसरी बात, शबनम की जो प्रॉपर्टी है उस पे जो काबिज लोग हैं उनसे सलीम का रिश्ता बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि सलीम बेहद गरीब परिवार से है। उसके माता पिता इतने गरीब हैं कि वो एक बार भी सलीम से मिलने नहीं गए हैं, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जो लोग ज़मीन पे कब्जा करने की फिराक में हैं उन्हीं लोगों से मिला हुआ है सलीम उस समय भी, क्योंकि उनकी बिरादरी भी एक है, वो पठान बिरादरी से आते हैं और शबनम की बिरादरी और है, और सलीम उनके घर में एकमात्र नौकर था। अब पुलिस का ये कहना है कि जिस दिन ये घटना होती है उस दिन शबनम ने कई कॉल किए, मतलब आप जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जो भी कागजात कोर्ट में पेश करेगा उसी के आधार पे सजा तय होती है कोर्ट में। और बहुत खुल करके लोग अब ये कह रहे हैं कि शबनम को, चूंकि शबनम की बातें जो है पिछले एक साल से चर्चा में आई है, उससे पहले शबनम के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा था। शबनम के लिए कोई बात इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि उसके परिवार में कोई बचा ही नहीं है, और जो चाचा चाची हैं वो भी बुजुर्ग हैं। एक दो बार उसकी चाची मिलने गई जेल में कि इस प्रॉपर्टी का क्या करना है,
तो उन दोनों में क्या बात होती है ये बात आज तक पता नहीं चली, लेकिन फिलहाल जो चीजें दिखाई दे रही है वो ये है कि चाचा चाची वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनका जो पोर्शन है बहुत छोटा सा है। जो बाग है घर के साथ, हवेली के साथ सटे हुए, जो एक ग्राउंड है, मैदान है, जिसको पूरा चार दीवारी से कवर किया हुआ है, जहाँ पर उन उसी परिवार के, मास्टर शौकत अली के परिवार के 7 लोगों की कब्रें बनी हुई हैं, वो जगह लोगों की नज़रों में है। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस पूरे मामले में प्रॉपर्टी वजह है, तो अब आप सुन लीजिए कि प्रॉपर्टी ही वजह है। मैं क्यों कह रही हूँ, मैंने उन गांव के लोगों से क्यों बात की, क्योंकि जो इस मामले को देख रही हैं एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता है सहर नकवी, उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया है, उन्होंने इसको एक अर्जी दी थी गवर्नर को, और गवर्नर ने यूपी सरकार को पूरे मामले को रेफर कर दिया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल के आदेश के बाद विशेष सचिव बद्रीनाथ ने यूपी के कारागार विभाग को सारे फाइल वापस की है। अब आप ध्यान दीजिए, मतलब नियमानुसार उनको उसके ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन एक साल से ज़्यादा हो गया है और सहर नकवी शबनम से मिलना चाहती है, लेकिन जेल प्रशासन उसको मिलने नहीं दे रहा है। कई बार उसने कोशिश की, अच्छा उसके बाद वो सलीम से भी मिलती है, सलीम से केवल एक बार मिलने दिया, और उसके बाद उनको सलीम से नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि बातें बहुत सारी मीडिया में आ गई कि ये जो बच्चा ताज है ये सलीम का नहीं है, सलीम ने खुद कहा कि आप मेरा DNA टेस्ट करवाइए। तो ये सब बातें जब आई तो उसके बाद उनको सहर नकवी को सलीम से भी नहीं मिलने दिया गया और शबनम से भी उनको नहीं मिलने दिया गया। कौन लोग हैं जो एक एडवोकेट को उनसे नहीं मिलने दे रहे हैं, सलीम से नहीं मिलने दे रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि पूरे मामले में दोनों लोगों को, सलीम और शबनम, इनको वकील नहीं करने दिया गया। इनकी पैरवी जो एडवोकेट फ्रेंड्स होते हैं उन लोगों ने इनकी पैरवी की, और अगर उन्हें कोई वकील दिया जाता तो इनकी बातें सुनी जाती। जैसा कि आज शबनम कह रही है कि मेरा मीडिया ट्रायल होना चाहिए, मेरे केस को CBI को देना चाहिए और ये पूरा केस रीओपन होना चाहिए। तीनों लीड पर एडवोकेट सहर नकवी काम कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो प्रशासन पर, जो जेल प्रशासन है उस पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि जो सलीम है, शबनम है, उससे किसी से मिलने ना दिया जाए। हालात ये हो गए थे कि ताज भी अपनी माँ से नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्यों नहीं शबनम को किसी से मिलने दिया जा रहा? क्यों? क्योंकि वो अब जेल में 14-15 साल रहने के बाद उसे भी नियम कानून की समझ आ गई है। ऐसा नहीं है कि वो उस समय ना समझ थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो पुलिस की मार होती है उससे बुरी कोई बात नहीं होती। तो उस दहशत से जब वो निकलती है तब उसे होश आता है कि उसे भी कुछ कहना चाहिए। जब उसने कहना शुरू किया तो अब उसे कहने नहीं दिया जा रहा, उसे मीडिया ट्रायल की उसकी डिमांड है, उसकी CBI में केस डालने की डिमांड है। वो ये भी कहती है कि इस पूरे केस को दोबारा से रीओपन किया जाए, लेकिन उसकी तीनों डिमांड को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जिसमें जो तवज्जो दे रही हैं उनकी एडवोकेट, उनको फिलहाल शबनम और सलीम से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि कौन वो लोग हैं, क्योंकि शबनम के गांव में ये बात फैली हुई है कि वही लोग हैं जिन्होंने प्रशासन पे
प्रेशर बनाया हुआ है कि वकील के द्वारा शबनम और सलीम को कोई भी मदद नहीं दी जानी चाहिए, इसीलिए उनके एडवोकेट को नहीं मिलने दिया जा रहा है और उनका केस रीओपन नहीं होने दिया जा रहा है। क्योंकि अगर केस रीओपन होता है तो बहुत सारे पर्दे फाश हो जाएंगे, इसीलिए एडवोकेट को राइट नाउ सलीम और शबनम से नहीं मिलने दिया जा रहा, केवल और केवल इस पूरे मामले में प्रॉपर्टी जो है उसका खेल है। अब ये बात समझ में आ गई है। मेरे कमेंट बॉक्स में कई बार लोग बोलते हैं, कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि शबनम को प्रॉपर्टी के लिए फंसाया गया है और शबनम किससे प्यार करती थी, कहाँ से ये बच्चा उसके पेट में आता है, ये सब बातें शबनम जानती है। क्योंकि शबनम ये बताना चाहती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, ये बच्चा किसका है, वो किससे प्यार करती थी और इस पूरे मामले में किसने उसे फंसाया है, ये सारी बातें वो देश को बताना चाहती है, दुनिया को बताना चाहती है। क्योंकि जब ये घटना हुई थी तो शबनम न केवल भारत में सुर्खियाँ बटोर रही थी बल्कि पूरी दुनिया की उस पर नज़र लगी हुई थी। क्योंकि एक ही परिवार में इतना बड़ा हादसा हो गया था जिसका दोष उस घर की बेटी पे था, जैसा कि पुलिस ने बताया। और पुलिस ने क्यों बताया, क्योंकि उन पर प्रेशर था, ये मामला मायावती के लिए बहुत ज़्यादा अहम था, उन्होंने कहा था ये मामला जल्दी खोलिए। पुलिस ने कह दिया था कि हम इसको खोल चुके हैं लगभग, तो जब ये कह दिया था ऊपर तक कि हम ये मामला लगभग खोल चुके हैं तो किसी को तो सामने करना ही था, तो सामने आते हैं सलीम और शबनम। तो दोस्तों आज इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी। आप शबनम से जुड़ी हुई सारी वीडियो आप बहुत प्यार से देखते हैं, आप अपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, और आपसे फिर मिलती हूँ मैं अगले हफ्ते। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।